व्यूअर्स, आज मैं आपको बताऊंगा कि ऑस्टियोआर्थराइटिस के केसेस में या रूमेटॉइड आर्थराइटिस के केसेस में, या आपको किसी डॉक्टर ने नी आर्थराइटिस डायग्नोस की है, हिप आर्थराइटिस डायग्नोस की है, में आप ऑस्टियोआर्थराइटिस से सफ़र करते हैं, जोड़ों की बीमारियों से सफ़र करते हैं, नी पेल्विक मतलब कूल्हे की हड्डी और नी टंगने की हड्डी या फ्रोजन शोल्डर है और डॉक्टर ने आपको ऑपरेट करने के लिए बोला है, तो फ्रेंड्स सर्जरी ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं है, ये उपचार के अंतर्गत ठीक किए जा सकते हैं। उन 95% केसेस को बता रहा हूँ जिनको आज की डेट में डॉक्टर्स इंजेक्शंस और फिर अल्टीमेटली सर्जरी की तरफ एडवाइस करते हैं। सो फ्रेंड्स ध्यान से सुनिए, डॉक्टर सत्संगीस में और होम्योपैथी थेरापेटिक्स में रजन प्रोटोकॉल एक वो विधा है जिसमें हम थ्री प्रॉन्ग स्ट्रेटजी का यूज़ करते हैं। इसको हम कहते हैं PPP, दैट इज कॉल्ड पार्टिसिपेटरी प्रिडिक्टिव एंड प्रिसाइज प्रोटोकॉल्स। रजन प्रोटोकॉल डॉक्टर ससंगी, इसमें थ्री प्रॉन्ग स्ट्रेटजी है। सो नंबर 1 डाइटरी एंड न्यूट्रिशनल प्रोटोकॉल्स, नंबर 2 किस तरीके से चलना हो, कौन सी कसरतें करना है जैसे कि कार्टिलेज जो सूख गई है वो उसको मौका मिले रिहाइड्रेट होने का दवाई के अंतर्गत, तीसरा मेडिसिंस। सो मेडिसिंस एक तरीके का अप्रोच है जिसको हम रजन प्रोटोकॉल कहते हैं, इसको रेजुविनेशन प्रोटोकॉल भी कहते हैं, एक तरीके से नए तरीके से आपकी जो कार्टिलेज है वो रिहाइड्रेट हो रही है, कार्टिलेज सूख गई है, जॉइंट्स खराब हो रहे हैं, जॉइंट्स की मसल्स के आसपास के एरियाज खराब हो चुके हैं, पेन कर रहे हैं, हड्डियों के कंक्रीशंस आ गए हैं जिसको एबनेशंस कहते हैं एक्सरेस पे, इन सब के अंतर्गत पेशेंट को पेन तो होता ही है, साथ में हैंडीकैप आती, कट कट की आवाज आती, कभी कभी पैर पूरी तरीके से मुड़ नहीं पाते हैं, पेशेंट को स्टिफनेस होती है, का है। तो ऐसी सभी स्थिति में रजन प्रोटोकॉल एक बून है और रजन प्रोटोकॉल बहुत ही सुगम और सेफ ट्रीटमेंट है और इसमें मेडिसिंस, आयुष प्रोटोकॉल्स स्पेशली होम्योपैथिक थेरापेटिक्स एंड बायोकेमिक मेडिसिंस और इसके अलावा डाइटरी और एक्सरसाइजेस के साथ हम पेशेंट को ठीक कर रहे हैं। सो फ्रेंड्स अगर आपको पेल्विक डॉक्टर ने पेल्विक सर्जरी की बात की है कि हड्डियां कूल्हे की खराब हो गई हैं, नी की खराब हो गई, फ्रोजन शोल्डर हो गए और आपको इंजेक्शन स्टेराइड के लेने होंगे, मेजर ड्रग्स पे आप नहीं ले पा रहे हैं, तो आप जरूर रुक करिए हमारी तरफ, मुझे लिख सकते हैं, मिल सकते हैं और जो बेस्ट से बेस्ट प्रोटोकॉल्स होगा वो हम दे रहे हैं और पेशेंट के सेटिस्फेक्शन रेट काफ़ी हाई है, एटलीस्ट फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू कि हम पेन बहुत तो नहीं कंट्रोल कर पाते हैं एक्सट्रीम केसेस में, लेकिन हाँ विघटन या डिजनरेशन रोक देते हैं, स्पेशली समय के साथ जो ऑस्टियोथराइटिस या ट्रोमेटिक ऑस्टियोथराइटिस उस केस में ये रिजल्ट्स बहुत ही अच्छे हैं और इवन इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस, इसमें एंकलाइजिंग स्पॉन्डिलाइटिस है या जुवेनाइल आर्थराइटिस है या रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, इन केसेस में भी इन प्रोटोकॉल्स को टेलर मेड बनाया जा सकता है, इसलिए इनको हम PPP कहते हैं, प्रिसाइज प्रिडिक्टिव एंड पार्टिसिपेटरी। तो पार्टिसिपेट अगर आपने तरीके से किया और दोनों डॉक्टर्स ने मिलकर आपकी हेल्प की तो आपकी बीमारी काफ़ी हद तक कंट्रोल की जा सकती है और आप नॉर्मल जीवन जी सकते हैं बिना मेजर ड्रग्स, क्योंकि मेजर ड्रग्स में कोलेटरल डैमेजेस इतने हैं एलोपैथिक साइंसेज में कि आप उनको बहुत दिनों तक ले नहीं पाएंगे, बहुत ही मुश्किल केस है, नहीं ठीक हो पा रहा है, बड़ा है उम्र में, तो उस केसेस में इमरजेंसीज में वो ड्रग्स दी जा सकती है, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए आपको रेजन प्रोटोकॉल ही लेना पड़ेगा। फ्रेंड्स इन जानकारी को आप जरूर साझा करिए, सब्सक्राइब करिए हमें और कोई भी नई इन्फॉर्मेशन आप लेना चाहते हैं स्पेसिफिक तो आप इस कमेंट में लिख सकते हैं, आई विल बी हैप्पी टू हेल्प यू, और मुझे आखिरी तक सुनने के लिए आपके अंदर बैठे ईश्वर को मैं नमन करता हूँ, ऑल द बेस्ट।